तो अभी हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कि टेम्पो वाली रिक्शा चलती है जो कि बड़ा साइज़ का होता है और 8-10 सवारियाँ बैठा सकती है। खासकर मैं देखा हूँ, बहुत सारे सिटियों में गया हूँ जैसा कि, तो वहाँ पे सिर्फ यही टेम्पो मुझे लखनऊ में सबसे ज़्यादा नज़र आती है, जिसको टेम्पो और उसका नाम एक विक्रम भी रखा गया है। बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे निशातगंज हुआ, पुरानी लखनऊ में और भी जगह। तो क्या खास बात है इसका, अगर लखनऊ में ही क्यों है? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि जैसे जो बड़ी बसें हैं, तो बड़ी बसें एक तो टाइम टू टाइम आती हैं, और जैसे जो लखनऊ में ज़्यादातर लोग नौकरी वाले हैं भैया, और नौकरी वाले क्या है, उनका टाइम से पहुंचना है। अच्छा, बस जो है कभी कदार लेट आई क्योंकि उनका फिक्स समय रहता है, और वो समय जब समय से लेट भी आई, और जब आई तो आने के बाद में कहीं उसमें ज़्यादा आदमी हैं, कहीं जो है 10 मिनट रुकती है, 15 मिनट रुकती है। और जो आपके ई रिक्शा हैं, टेम्पो वगैरह हैं, ये तुरंत आए और तुरंत आके जो है चले जाते हैं, और 1-2 किलोमीटर हो या आपके अंदर तक भी हो, मतलब जो है जो कंपनी है, फैक्ट्री जहाँ जाना हो, अंदर तक भी छोड़ देंगे। और छोटी छोटी रास्ताओं में जो है भैया ये जो है मतलब मुड़ जाते हैं आराम से, और 2-4-10 सवारी लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं रुकने के लिए, मतलब फास्ट इनकी सर्विस है। हाँ, फास्ट सर्विस है, गलियों से भी गुजर के आपको जल्दी पहुंचा देते हैं। और एक चीज़ और है भैया कि जैसे कि मान लिया जाए, आप एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया गोमती नगर से आपको जाना है हजरतगंज, तो आप गोमती नगर बस स्टॉप जो होगा पहले वहाँ पहुँचिए। हाँ, वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर बस का वेट करिए, फिर बस का वेट करने के बाद आप हजरतगंज के लिए जब बस पर चढ़ेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको बस खाली मिले, बस आपकी भरी भराई भी हो सकती है वहाँ पर, क्या पता आपको खड़ा होकर जाना पड़े, या कितनी देर बस रुके, कोई भरोसा नहीं। 10 मिनट ये कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? देखिए, ऐसा है भैया कि यहाँ पे जो है, जो कि देश के सबसे बड़े प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब जितने, अब यूपी में तकरीबन 70-72 ज़िले हैं, जितने जहाँ जो भी लोग जैसे काम करना चाह रहे हैं पूरे यूपी में या पूरे भारत से, तो मतलब ये आप मान के चलिए देश की सबसे ज़्यादा मतलब अब जो है ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा तय करने वाली ये लखनऊ सिटी है। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से जो है आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ ट्रैफिक तो बढ़ रहा है, आदमी लोग आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जो साधन है वो मतलब सरकार के द्वारा जो चल रहे हैं, सरकारी बसें ज़्यादातर हैं, चल रही हैं सिटी के अंदर, अलाउड हैं, तो उनकी संख्या है सीमित और आदमी की संख्या असीमित, जो मतलब बाहर से भी काफ़ी लोग हैं, लोकल कम पर बाहर लोग ज़्यादा हैं। तो उसमें यह है कि अब भाई बस में जो है काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए और जो ई रिक्शा हैं, छोटे टेम्पो, इसलिए इनकी जो है ज़रूरत पड़ गई। तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और छोटे मोटे रास्ते में चले जाते हैं, आपके मंजिल से उठाएंगे, आपकी मंजिल तक छोड़ भी देते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं, और 8-10 आदमी बड़े आराम से उसमें बैठ जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे विक्रम के बारे में, जो टेम्पो चलती है, छोटी छोटी दूरियों से होकर गुजरती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रम जो है वो पहले जो है पहले तो चलता था खड़खड़ा, जब शुरू में लखनऊ में जो है खड़खड़ा चलता, फिर उसके बाद विक्रम आया। विक्रम जो है क्या नाम है, पहले डीजल से भी चलता था, अब तो CNG हो गया है, और छोटे छोटे रिक्शे भी अब आजकल आ गए हैं, तो अब विक्रम का भी क्रेज़ कम धीरे धीरे होने लगा है लखनऊ। लेकिन फिर भी देखा जाए लखनऊ में विक्रम अभी कुछ ज़्यादा ही है, और भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन विक्रम ज़्यादा है, और भी सिटी में क्यों नहीं है? और भी सिटी में, अलग अलग सिटी में, तो हमको तो लग रहा है ज़्यादातर लखनऊ में ही है, और नोएडा, दिल्ली में तो ई रिक्शा ज़्यादातर चलते हैं, और सरकारी बसें काफ़ी चलती हैं, वहाँ तो काफ़ी भीड़ लगती है, मगर यहाँ पे भी अब धीरे धीरे सरकारी जो बसें हैं वो कम हो गई हैं पहले से ज़्यादा, अब तो इलेक्ट्रिक आ गई हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए, और इसलिए ई रिक्शा भी क्या नाम है आपका ज़्यादा चलने लगा है। अरे सुनिए भैया, हम बता रहे हैं, देखिए ऐसा है ना कि जो सरकारी बसें हैं उनका एक सीमित समय है कि भाई आपको 9 बजे वो भी बस स्टॉप पे मिलेगी। आप जैसे मान लिया जाए कि आप विवेकखंड में रह रहे हैं, तो आपको बस अगर पकड़ना है तो आपके रास्ते पे तो आएगी नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ऑटो या बाइक पकड़ के जो है ओला उबर जो भी है, आपको बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा। फिर बस स्टॉप में जो है आप 10 मिनट 5 मिनट वेट करिए, अगर आप समय से 9 बजे पहुँच रहे हैं, अगर नहीं पहुँचे हैं तो आधे घंटे बाद की बस है, तो उसमें क्या रहता है कि आप 20 मिनट 10 मिनट इंतजार करिए, फिर बस आई, फिर बस लोगों को उतारती है। मैंने खुद देखा है, हम खुद देखे हैं कि जो है 10-15 मिनट। चलिए, कुल मिला जुला के ये देखा गया है जैसा कि बस क्या होता है, एक रूट उसका तय होता है, उसी रूट से उसका आना जाना होता है, ना कि वो किसी गलियों से होकर गुजरेगी। जैसे कि हमको एग्जाम्पल पर देखा जाए, अगर हजरतगंज जाना है गोमती नगर से, तो वो डायरेक्ट रोड होके जाएगी, अगर रोड में ट्रैफिक लगा तो अलग रोड से नहीं जाएगी। और ये होते हैं छोटे छोटे रिक्शा वाले, ये अलग रूट से भी होके वहाँ तक चले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार ऐसे इसी वजह से यहाँ पे चलती है इतना ज़्यादा, और इनकी फास्ट सर्विस और किराया भी देखा जाए एक सीमित है, और आप बहुत ही आराम से सेफली पहुँच सकते हैं। एक जरूरी बात, जैसे कि अभी बता रहे थे कि जैसे मान लिया आपको गोमती नगर से जाना है इंदिरा नगर तक, तो आप गोमती नगर अगर बस स्टॉप पर खड़े हुए हैं, तो आपको मान लिया जाए कि यहाँ HL के पास उतरना है, पॉलिटेक्निक के पास, तो आपने जैसे जो उसका जो टिकट लगता है, तो आपका पूरा वहाँ आपने बताया वहाँ तक पूरा लगेगा, और आपको अगर 2 स्टॉप पीछे उतरना है तो टिकट आपका वहाँ स्टाफ तक लगेगा और आपको उतरना है 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले ही, तो वो किराया आपका पूरा पड़ जाएगा। यानी कि वो किराया पूरा ले लेते हैं और ये लोग क्या है सीमित किराया ही लेते हैं। ये 10 और 5 रुपये इसमें कम भी कर देते हैं, तो भाई इसमें भी कहीं ना कहीं 2-4 रुपये 5 रुपये भी अगर छोड़ दिए तो आदमी का मतलब बहुत रहता है आना जाना के लिए 2-3 चक्कर। तो ये रही लखनऊ कुछ टेम्पो और ई रिक्शा के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा।